गिफ्ट वगैरह नीचे पड़े हो तो बढ़िया लगता है। सामान रख दिया अंदर, हमने उसकी वीडियो बनाई थी तो अब हमारी प्ले स्टेशन रास्ट पे चलेगी। टाइम आ गया, ऑर्नामेंट्स उतार दिए, हमारा ऊपर स्टार लगा हुआ है बट इसको अब रखने का। बाय बाय क्रिसमस ट्री अंटिल द नेक्स्ट ईयर। हम पीछे से बॉक्स लेके आते हैं, बाकी सारे ऑर्नामेंट्स हमने ऑलरेडी उतार उतूर दिए, अब बॉक्स लेके आते हैं, इसको पैक कर देते हैं। उनके साथ गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोल देते हैं, अब तो इवनिंग हो चली है। और हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल जी हैं स्वागतम आपको अमेरिकन देसी व्लॉग्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना जरूर दबाइए और वीडियो अंदर जरूर देखिएगा। त्यांश नए ब्लॉग की शुरुआत देखिए, प्रभु का नाम बोलो जय सिया राम। नए ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं इवनिंग से, क्योंकि अभी हमने कहा कि ट्री को पीछे रख दे, जेडन सोया हुआ है तो अभी हम धीरे धीरे बोल रहे थे, बातें कर रहे थे। हवा बहुत ही ज़्यादा चल रही है, हवा बहुत ही चल रही है फ्रेंड्स। बाकी बॉक्स उठाएं अपना और अंदर चलते हैं, फिर ट्री को पैक करते हैं। ट्री तो मतलब बढ़िया लगता है, तो कुछ ही दिन बढ़िया लगता है, मतलब महीना बढ़िया लगता है। अब था कि जगह घेर रहा है तो इसको रखें, जब भी गिफ्ट वगैरह नीचे पड़े हों तो बढ़िया लगता है, क्योंकि एक्साइटमेंट रहती है। अब गिफ्ट गुफ्ट सब खुल चुके हैं तो हमने कहा अब इसको अंदर रखते हैं। सारा खाली, अब यहाँ पे अपना साइड टेबल लगा देते हैं, बाकी ट्री हमने सारा पैक कर दिया। ये पड़ा ट्री पैक, ट्री के नीचे का सर्कल, सारा सामान रख दिया अंदर। ओह माय गॉड, बस हो गई, उधर भी सारा सामान रख दिया। और मौसम देखो कितना बढ़िया, मतलब ठंड -3 में टेम्परेचर चल रहा है, हवा इतनी चल रही ठंडी ठंडी। और चलते हैं फ्रेंड्स अंदर, ये भी हमारा फर्नीचर ढका पड़ा है, स्प्रिंग कब आएगी और फिर बैठ के एंजॉय करेंगे दोबारा से। और अभी के लिए आपको गुड नाइट बोलते हैं, सुबह मिलेंगे, अभी अंदर चलते हैं, रात का टाइम होते जा रहा है। पता नहीं हम आपको गुड मॉर्निंग क्यों बोल देते हैं, यूजली तो गुड इवनिंग होती है। बाकी अंदर चलते हैं, चाय चूहे पीते हैं, थोड़ी गर्मैश लेके आते हैं। बहुत ठंड हो जाती है यहाँ पे ना, स्नो नहीं पड़ी, पीछे देखा होगा आपने व्लॉग में, पीछे आइस पड़ रही थी, स्नो नहीं पड़ी। स्नो पड़ जाती तो और मज़ा आ जाता, बट एनीवे कोई बात नहीं, जो भी हुआ अच्छा होता है। फ्रेंड्स आप लोगों को मिलते हैं, अभी के लिए साइनिंग आउट, सुबह मिलते हैं साइन ऑन पे। The next day. Good morning आप सब लोगों को, आज पुरानी व्लॉग के नए दिन की शुरुआत कर रहे हैं। कल हमने ट्री वगैरह रख दिया था, सब कुछ पैक कर दिया, अब ऐसा लग रहा मतलब खाली खाली लग रहा साइड का कॉर्नर। ये होता है कि साल में एक बार ट्री लगाते हैं, न्यू ईयर तक लगा रहता है, न्यू ईयर के बाद हम यूजली पैक कर देते हैं, फिर अगले साल लगाएंगे, इस साल लगाएंगे फिर से दोबारा से, और प्रेजेंट रखेंगे। जेडन भी पूछ रहा था कि ट्री कहाँ चला गया और प्रेजेंट कहाँ चलेंगे, सबसे पहला तो उसका क्वेश्चन था कि प्रेजेंट कहाँ चलेंगे। वह दोस्तों अभी हम जा रहे हैं, जब थोड़ा वर्कआउट लगा ले फिर आप लोगों को मिलते हैं। हमने पीछे 2-3 हफ्ते पहले एक चीज़ ऑर्डर की थी जो दिसंबर में आ गई थी, बट हमने उसकी अनबॉक्सिंग की और वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि हमने कहा कि अनबॉक्सिंग क्या करेंगे। हमने शॉर्ट्स बनाई थी, आप लोगों को पता होगा कि आपने देखी होगी अगर आप हमारी शॉर्ट्स देखते रहते हैं, तो शॉर्ट्स में हमने उसकी वीडियो बनाई थी। तो आप लोगों के साथ आज शेयर करेंगे कि वो क्या चीज़ है, थोड़ी डिटेल्स बताएंगे, मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी ही देर में। सुबह सुबह सारी फ्रॉस्ट जमी हुई थी, अब देखो धूप अच्छी निकली हुई है। हमने जाना तो ये BMW के शोरूम में भी था, जो बाइक का शोरूम है, बट गए नहीं क्योंकि जब भी हम बाइक के शोरूम वगैरह में जाते हैं तो हमें कोई ना कोई बाइक ज़रूर पसंद आ जाती है। पिछली बार भी आप लोगों को बताया था कि हम पिछले साल गए थे, पिछले साल ऐसा लगता है कि बहुत टाइम हो गया, पिछले साल मतलब पिछले महीने पिछले साल गए थे, तो हमें बहुत बढ़िया एक बाइक लगी थी इंडियन की और हमने उसकी फ़ोटो भी डाली थी। मतलब जब भी जाओ ना ऐसे मन होता कि ले ले, फिर बंदा कहता कि अभी रुक जाते हैं, तो हमने जाना था फिर वो भी कैंसिल कर दिया। आज मन था कि जा कर देख के आए, कि एक दो बाइक हमें बहुत बढ़िया लगी थी जो आई हुई हैं, एक तो BMW की थी बट उस पर डिपॉजिट किसी ने ऑलरेडी जमा करा दी, अभी एक दिन पहले ही आई है और उस पर वर्कआउट अपना लग गया भाई साहब, बढ़िया लगा वर्कआउट। ऐसे मौसम बढ़िया और बाहर और मन करता और जिम वगैरह लगा के आए तो अच्छा लग गया, मज़ा आ गया। अब मन कर रहा था कि कॉफ़ी पी लें, कैसे रोक सकते हैं, तो हमने कहा कि कॉफ़ी ऑर्डर कर लेते हैं, अंदर जाकर भी लेके आ सकते हैं बट हमने ड्राइव थ्रू से ही ले लेना, यहाँ से ऑर्डर प्लेस कर दो ऐप पे, ऐप पे बढ़िया रहता है और ज़्यादा ऑप्शन होती है। और यहाँ से बोल देना इसको, हाय आई कैन अ मोबाइल ऑर्डर फॉर जय। ऑलराइट बेटर पुट डाउन, थैंक यू। ये डंकिन डोनट हमें इसलिए अच्छा लगता है, देखो इतनी बढ़िया डील है, फ्री डोनट मिलेगा एवरी वेंसडे। जो रिवॉर्ड मेंबर है, जो हमारे रिवॉर्ड मेंबर
तो आप एक ड्रिंक परचेज करो, चाहे $1 की ड्रिंक परचेज कर लो और साथ में एक डोनट फ्री एवरी वेंसडे का। ये बढ़िया डील देते हैं स्टारबक्स, ऐसी कोई डील नहीं निकालता। डंकिन बढ़िया स्टारबक्स से, अपना अपना ओपिनियन है। कॉफ़ी हमें जहाँ से मर्जी से पिला दो, बट अपना अपना ओपिनियन होता है कि कौन सी कॉफ़ी बढ़िया कौन सी नहीं। हमें डंकिन की बढ़िया लगती है, कई लोगों को स्टारबक्स की बढ़िया लगती है, हमें भी स्टारबक्स ही बढ़िया लगती है। बट स्टारबक्स क्या आते हैं ना, वो लाइक जैसे बोल देते हैं हाई फाई में आ जाता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नाम बहुत है उसके, हाई बहुत है। डंकिन भी बढ़िया, इनकी कॉफ़ी भी बहुत बढ़िया होती है। लो जी लो कॉफ़ी आ गई अपनी। ये हमने एक्सप्रेसो वाली ऑर्डर की है, ऊपर देखो व्हिप्ड क्रीम, चॉकलेट ड्रिजल है और एक्सप्रेसो ड्रिंक, कितनी बढ़िया लग रही फ्रेंड्स। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर घर पे आ गए, अपना डेस्क, इधर अपना कंप्यूटर पड़ा हुआ है। बट यहाँ पे हम अब जब हमारी कोई पैकेजिंग या अनबॉक्सिंग या रिव्यू की वीडियो बनाएंगे, हम यहाँ पे रख के बनाएंगे, तो हम बात करने लगे हैं आज इसके बारे में। तो ये है प्ले स्टेशन का पोर्टल, तो आपको पहले ये बता दें ये क्या है क्या। तो इसको ये जो PS5 होती है, प्ले स्टेशन 5, उसके लिए ये पोर्टल होता है। पोर्टल जैसे बोल दो हैंड हेल्ड गेमिंग सिस्टम है। इसके साथ ये 8 इंच की टैबलेट और स्क्रीन बोल दो, स्क्रीन लगी होती है। इन्होंने ड्यूअल सेंस जो इसका कंट्रोलर होता है उसको डिवाइड करके बीच में स्क्रीन लगा दी है। टीवी पे आपको नहीं टाइम मिलता खेलने का, अगर आप बाहर हो कहीं पे, अगर आप कहीं पे गए हुए हो, तो अगर आपके पास इंटरनेट है स्पेशली वाईफाई वहाँ पे अवेलेबल है, तो ये आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इवन तो आपकी प्ले स्टेशन जो है वो घर पे है, आप इसको लेके जा सकते हो और कहीं पे भी आप प्ले कर सकते हो, एज लॉन्ग एज दे हैव वाईफाई। ये वाईफाई के साथ चलता है, वाईफाई के बिना नहीं ये चलेगा। वो असली में चीज है वो है ये, आप देखोगे ये स्क्रीन लगी हुई है और इसके ऊपर हमने केस चढ़ा दिया हुआ, मतलब ये सिलिकॉन केस चढ़ा दिया ताकि प्रोटेक्शन रहे। बाकी ये है नीचे से वाइट वाला पूरा, कितना बढ़िया लग रहा है ना फ्रेंड्स। इसको ऑन करते हैं, हमारी प्ले स्टेशन बाहर पड़ी है, अब इसको ऑन करते हैं। यहाँ पे स्विच लगे हुए हैं, ये इसका ऑन एंड ऑफ स्विच है, ये वॉल्यूम के स्विच है, बाकी ये जॉयस्टिक्स है दो, ये थोड़ी छोटी है रिमोट से, बाकी ठीक है बढ़िया। ये बीच में जो इन्होंने ये टैबलेट या स्क्रीन बोलते हैं, हम टैबलेट बोलते जा रहे हैं क्योंकि ये टैबलेट के जैसे लगती है बट स्क्रीन बोलते हैं, ये बहुत बढ़िया कर दी। तो इसको ऑन करते हैं यहाँ से, बैटरी हमारी फुल है, इसको PSP का यहाँ से बटन दबा दिया और अब आ गया कनेक्टिंग टू योर प्ले स्टेशन जो हमारी बाहर पड़ी हुई है। तो ये अपने आप कनेक्टिंग हो जाएगी प्ले स्टेशन के साथ, हमें तो बहुत बढ़िया चीज़ लगी, बहुत बढ़िया मतलब टेक्नोलॉजी थी। तो हमने कहा कि यार ट्राई करके देखते हैं कैसा चलता है। बाकी इंटरनेट का आपको यहाँ पे सिंबल दिख रहा होगा, ये इंटरनेट का, ये बैटरी का टाइम है और टच स्क्रीन है। आप इसको इधर लेके आओगे तो डिस्कनेक्ट कर सकते हो। ये हेडसेट के लिए ब्राइटनेस कितनी बढ़ानी है, बढ़ाओ नहीं बढ़ानी, इतनी रखो। बाकी डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स हैं नेटवर्क की है, जो अपना इंटरनेट की सिस्टम की, डिस्प्ले ब्राइटनेस एंड कंट्रोलर की। आ गया यहाँ पे, आप देखोगे रेडी टू प्ले। तो अब हम एक्स दबाते हैं, हमारी असैसिन्स क्रीड लगी हुई है इसके बीच में, मतलब प्ले स्टेशन के बीच में। ये इसके बीच में कोई गेम नहीं डलती, ये सिर्फ वाईफाई के साथ कनेक्ट होके जो आपके प्ले स्टेशन में गेम डाउनलोड है, अगर आपके कोई भी प्ले स्टेशन में डाउनलोड गेम्स हैं वो इस पर आप खेल सकते हो। अगर आपने डिस्क डाली हुई है वो भी आप खेल सकते हो, हमारी डिस्क पड़ी हुई है। तो अभी हम अगर होम पे चले जाएं, ये देखो प्ले स्टेशन का पूरा आ गया, डिफरेंट डिफरेंट गेम्स हैं असैसिन्स क्रीड पे। टीवी पर नहीं खेलनी, अगर आप कहीं पर बाहर हो, मोस्टली ये पोर्टल चीज़ है, रिमोट प्लेयर बोल दो, तो कहीं पे बाहर हो, एज लॉन्ग एज आपका वाईफाई या फ़ोन का वाईफाई है तो आप इसके साथ खेल सकते हो। हमें बहुत बढ़िया लगी। जब हमने इसको प्ले स्टेशन को बंद करना है, प्ले स्टेशन का बटन दबाया और इसको पावर के ऊपर पहुँच के हम रेस्ट मोड पे। लो फ्रेंड्स, अब हमारी प्ले स्टेशन रेस्ट पे चलेगी और ये इसने डिस्कनेक्ट कर देना, हो गया डिस्कनेक्ट। अब इसको यहाँ से ऊपर से बंद कर देते हैं। इसी के साथ हम आज के व्लॉग को भी यहीं पर ख़त्म करते हैं, एडिटिंग कर रहे हैं और हमारी वीडियो अबाउट 10 मिनट की बन गई। तो हम कहते हैं कि आज के व्लॉग को बस यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी आज की व्लॉग अच्छी लगी है तो बेशक लाइक अपने जरूर दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, कर लिए तो आगे से आगे शेयर करना। हमारे शॉर्ट्स जरूर देखते रहिए करें फ्रेंड्स, जो हम डालते हैं, जो खरीदते हैं, जो कुछ भी करते हैं, हम शॉर्ट्स में आपके साथ एंटरटेन करते रहते हैं। शॉर्ट्स हमारी एक दिन छोड़ के आए, एक दिन बाद आ जाती है। बट एनीवे, अगर आज की व्लॉग अच्छी लगी है तो लाइक अपने जरूर दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, कर लिए तो आगे से आगे शेयर करना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वक्त के साथ। हैव अ गुड नाइट गाइस।